पुलवामा में शहीद जवानों की वीरांगनाएं अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गई हैं। वे जयपुर में आमरण अनशन पर बैठी हैं। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर दिया। हालांकि वीरांगनाओं को बीच में ही पुलिस ने रोक लिया, जहां उन्होंने मुंह में दूब घास दबाकर और दंडवत होकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की प्रार्थना की। हालांकि बैरिकेडिंग के चलते वीरांगनाओं को बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा, लेकिन उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, उन्हें मुआवजा और नौकरी नहीं दी जाती है, तब तक उनका धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। भाजपा राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट का जिक्र करते हुए इस संबंध में जानकारी दी है। आपको पूरी घटना की जानकारी तो आपको है ही। तीन बार इनका अपमान हुआ है। ये सम्मान लेने आई थी, अपमान हो गया। पहले विधानसभा पे हुआ, फिर मुख्यमंत्री के बंगले के सामने हुआ, फिर पायलट साहब के बंगले के सामने हुआ, और केवल ये मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हैं। 10 दिन से मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे, तो इन्होंने पायलट साहब से कहा भाई प्रियंका जी से मिला दो, उन्होंने भी हाँ कर लिया था, वो पता नहीं कहाँ चले गए, वो भी नहीं मिला पाए। आज मुख्यमंत्री जी ने परसों ट्वीट किया। ट्वीट जब किया, जब दो मंत्री माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत, ये भरोसा दे गई कि आपकी सारी मांग मान ली हैं, इन्होंने कहा हम वैसे नहीं मानेंगे, लिखित में दो। लिखित का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया, उसके एक घंटे बाद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके मना कर दिया, और मुख्यमंत्री ने आज फिर ट्वीट कर दिया, तो जले पे नमक छिड़क दिया वीरांगनाओं के। वीरांगना अधीर हो गई, इसलिए चल दी उधर मुख्यमंत्री जी से मिलने। मेरे को बाद में पता लगा, मैं भागा भागा आया, और हम नहीं चाहते आंदोलन हिंसक हो, गांधीवादी तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, इसलिए अंत में तीनों वीरांगनाओं ने अपने मुंह में तातू देकर दूब हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से कहा है, साष्टांग पेट पलना होकर कहा है, तातू मुंह में देकर कि हे मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनो, बड़ा सा बड़ा जो राक्षस है वो भी इतनी याचना के बाद पिघल जाता है, दया का भाव आ जाता है, इसलिए इन्होंने हाथ जोड़ के मुंह में तातू लेके साष्टांग प्रणाम करके मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना कर दी। देखते हैं अब मुख्यमंत्री पिघलते हैं या नहीं पिघलते, उनका दया का भाव आता कि नहीं आता, उनके दिमाग में ये बात आती है कि नहीं आती कि वीरांगनाओं का अपमान हुआ है, उनका कार्रवाई होनी चाहिए। वीरांगना मंजू ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे उनसे मुलाकात करें और उनकी मांगों को पूरा करें। मैं आज जोड़ के मुख्यमंत्री जी से ये विनती कर रही हूँ कि आप हमारे से मिलना नहीं चाहते हो, तो आप आ जाओ मेरे पास। वो बारे बारे में बोल रहा है कि आपकी नौकरी देवर को नहीं दे सकते, अरे उनके बेटे की नौकरी नहीं है, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, नहीं, आज 10 दिन से यही विनती कर रहे हैं कि आपके बेटे की नौकरी नहीं छीरे हम, हमारे घर पे गए थे, घोषणा करके आए थे, क्यों गए थे हमारे घर पे, क्यों बोल के आए थे वहाँ, फिर वहाँ से भी यहाँ आके भी बोल दिए मंत्री कि आपका सारा काम हो जाएगा, फिर क्या हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी असल माँ का बेटा है तो हमारे सामने और बोल दे, आपके सामने मरना चाहते हम। देखिए मजेदार बात यह है कि यहाँ बीजेपी नहीं आ रही है, अब आप कब तक जारी रहेगा आपका विरोध प्रदर्शन, कब तक जारी रहेगा धरना? जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगी ना, जब तक हमको लिखित में चाहिए, मेरे को तो बिल्कुल लिखित में चाहिए, और हमारे साथ जो पुलिस कर्मचारी हमारे साथ हादसा कर रहा है ना, तो उनको तो सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए हमारे को।